हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं इजी इंग्लिश लर्निंग की नई वीडियो। और ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में हमने कंसंट्रेट किया है छोटे छोटे वाक्यों पर, मतलब स्मॉल सेंटेंसेस जो आप रोज अपनी जिंदगी में बोलते हैं, तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी ट्रांसलेशन क्या होगी। वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत आसान होते हैं, तो अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ZigZen Gamers और नई वीडियोस के लिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब जब हम वीडियो बनाएं वो वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। तो खैर, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो स्मॉल सेंटेंस हमने लिया है वो है मेरी मदद करो। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब कैसे बोला जाएगा ये अंग्रेजी में, हेल्प मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी। नेक्स्ट, यह मत करो, डोंट डू इट, यह मत करो, डोंट डू इट। दोस्तों, ये सुनकर आपको लग रहा होगा, अरे ये तो बहुत छोटे सेंटेंस है, तो आप कहीं जाइएगा मत, आगे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस आपके लिए लेकर आया हूं, बने रहिए। नेक्स्ट है हमारा, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, या फिर कार रोको, स्टॉप द कार, कार रोको, स्टॉप द कार, कैसे, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है, कार से उतरो। बोलते हैं ना हम आम जिंदगी में, भाई चलो कार से उतरो, गेट डाउन फ्रॉम द कार, गेट डाउन फ्रॉम द कार, या कार में बैठ जाओ, गेट इन द कार, गेट इन द कार। कार की जगह बस हो सकती है, टैक्सी हो सकती है, या कोई भी व्हीकल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, चलो बाहर चलें। बोलते हैं जब भी आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं, उसके घर जाते हैं, तो वो बोलता है चलो बाहर चलें, लेट्स गो आउट। या फिर एक और सेंटेंस, थोड़ी देर में मुझसे मिलना, मीट मी इन अ वाइल, मीट मी इन अ वाइल। देखो दोस्तों, इंटरेस्टिंग है ना ये सेंटेंसेस, और ये वही सेंटेंसेस है जो आप रोज बोलते हैं, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका अंग्रेजी ट्रांसलेशन क्या होगा। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वो इतना पतला है, मतलब जो काफी पतला हो, मतलब जो थोड़ा अच्छा सा ना लगे दिखने में, he is so skinny, वो बहुत मोटी है, she is so fat, she is so fat। या फोन उठाओ, घंटी बज रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा फोन, तो आपने अपने छोटे भाई को, बहन को, या किसी को बोला फोन उठाओ, पिक अप द फोन, पिक अप द फोन। या फिर आपको कौन सा वाला चाहिए, कोई सामान लेने जाते हो, आपको दुकानदार पूछता है कौन सा वाला पसंद करोगे, कौन सा चाहिए, तो विच वन डू यू वॉन्ट, विच वन डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा वाला चाहिए, विच वन डू यू वॉन्ट। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ही आसान है, सिंपल है, कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे यातायात नियमों का पालन करो, बोला जाता है या कहीं लिखा होता है अक्सर, यातायात नियमों का पालन करो, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। या फिर बाइक तेज मत चलाओ, भाई बाइक तेज मत चला, डोंट ड्राइव द बाइक फास्ट, डोंट ड्राइव द बाइक फास्ट। बाइक की जगह कार हो सकती है, ट्रक हो सकता है, बस हो सकती है, कुछ भी, डोंट ड्राइव द बाइक फास्ट, के बाइक तेज मत चलाओ। क्या था, यातायात नियमों का पालन करो, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बाइक तेज मत चलाओ। नेक्स्ट है, मैं हमेशा आपके साथ हूं, क्या है, मैं हमेशा आपके साथ हूं, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। या फिर पूछते हो आप कहां जाना है, वेयर टू गो, कहां जाना है, वेयर टू गो। कई बार आप ये बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं, वही केस की ट्रांसलेशन होगी क्या, कहां जाना है, वेयर टू गो। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है आपके लिए। नेक्स्ट है, मुझे लाइब्रेरी में ले चलो, लाइब्रेरी की जगह म्यूजियम हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मुझे लाइब्रेरी में ले चलो, टेक मी टू द लाइब्रेरी, टेक मी टू द लाइब्रेरी। या कुत्ते को खाना खिलाओ, फीड द डॉग, खाना खिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फीड, कुत्ते को खाना खिलाओ, फीड द डॉग, फीड द डॉग। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ZigZen Gamers और वीडियोस के लिए। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग। क्या विचार है, अरे भाई क्या विचार है, बोलते हैं ना क्या विचार है, व्हाट एन आइडिया,
व्हाट एन आइडिया, क्या व्हाट एन आइडिया। नेक्स्ट, मैं कल से काम पर आऊंगा, मैं कल से काम पर आऊंगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। कल की बात हो रही है तो विल इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर की बात है, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। मैं मुंबई से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। दिल्ली से भी आ सकते हैं, कलकत्ता से भी आ सकते हैं, मद्रास से भी आ सकते हैं, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई। तो दोस्तों, ये वो छोटे छोटे सेंटेंसेस थे जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगी, ये अंग्रेजी में कैसे बोले जाएंगे। तो अब आप जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो मैंने दूर कर दी है, तो ये सेंटेंसेस आप अपने दिमाग में बिठा लें। तो हमारा यूट्यूब चैनल ZigZen Gamers सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब जब हम नई नई वीडियो बनाएं वो वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए।